जय श्री हनुमान जी। बुड़वा मंगल कथा और महत्व। लाल देही लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। बुड़वा मंगल उत्सव हनुमान जी के वृद्ध रूप के लिए किया जाता है। यह उत्सव ज्येष्ठ माह के चारों मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसे प्रचलित भाषा में बूढ़े मंगल के नाम से भी जाना जाता है। बुड़वा मंगल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे भारत में वानर राज राम भक्त हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। श्री हनुमंत शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। वह जादुई शक्तियों और बुरी आत्माओं को जीतने की क्षमता रखने वाले देव के रूप में पूजे जाते हैं। बुड़वा मंगल दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ज़्यादा प्रमुखता से मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में भी कहीं कहीं यह त्यौहार ज्येष्ठ मंगल के प्रथम मंगलवार को ही मनाया जाता है, जिसमें कानपुर और वाराणसी प्रमुख शहर हैं। भगवान शिव के अवतार हैं हनुमान जी। भगवान हनुमान को महादेव का 11वां अवतार भी माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ होता है या फिर शनि की 7.5 चल रही होती है, उन लोगों को इस दिन हनुमान जी के सुंदर कार्ड का 108 पाठ या हनुमान चालीसा का 1001 पाठ कराने से शनि ग्रह से जुड़ी समस्या में कमी आती है। हनुमान जी को मंगलकारी कहा गया है, इसीलिए उनकी पूजा जीवन में मंगल लेकर आती है। केसरी और माता अंजना के पुत्र श्री हनुमान जी को महावीर बजरंगबली, मारुति पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है, अतः प्रत्येक हनुमान मंदिर में शिवलिंग स्थापित अवश्य किया जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा केसरी सिंदूर अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान को केसरी सिंदूर अत्यंत प्रिय है। भक्तगण प्रायः इस सिंदूर को देसी घी में मिलाकर भगवान की प्रतिमा पर लगाते हैं। प्रसाद स्वरूप उसी का टीका तिलक के रूप में अपने मस्तक पर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिलक के माध्यम से भक्त श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हीं की तरह शक्तिशाली, ऊर्जावान और संयमित हो जाते हैं। बुड़वा मंगल का इतिहास और प्रचलित कथाएं। वैसे तो बुड़वा मंगल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनका वर्णन मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसी ही किद्वंतियाँ हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक कथा यह है कि महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान और घमंड हो गया था। रुद्र अवतार भगवान हनुमान ने एक बूढ़े बंदर का वेश धारण कर उनका घमंड चूर चूर किया था। आगे चलकर यही दिन बुड़वा मंगल के रूप में कहलाने लगा। दूसरी कथा यह है कि रामायण काल में भाद्रपद महीने के आखिरी मंगलवार को माता सीता की खोज में जब लंका पहुंचने पर हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगा दी थी, तो हनुमान जी ने अपने विराट रूप को धारण कर लंका को जलाकर रावण का घमंड चूर किया था। मंत्र: ओम हनु हनुमंते नमो नमः, श्री हनुमंते नमो नमः। उत्सव व पूजा विधि: हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसीलिए बुड़वा मंगल के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। हनुमान जी का उपवास रखें, नमक का प्रयोग न करें। हनुमान जी को प्रिय चीज़ों का भोग जैसे लड्डू, केला, अंगूर व शुद्ध चावल की खीर चढ़ाएं। बुड़वा मंगल पर 101 बार हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करना शुभ होता है और सारे कष्ट संकट मोचन दूर कर देते हैं। श्री हनुमंत लाल पर सिंदूर चढ़ाएं, हनुमंत ध्वजा, प्रार्थना, भजन कीर्तन करें। रामचरितमानस का पाठ करना भी शुभ व अत्यंत लाभकारी होता है। हनुमान मंदिर का दर्शन कर घर के मंदिर में पूजा करें। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।